नमस्कार दोस्तों, मीत सीरियल का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलेगा, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से मीत अलावत को फांसी के फंदे पर ले जाने का काम कर रही हैं बर्फी देवी। क्योंकि बर्फी देवी ने सभी को ओपनली चैलेंज दे दिया है कि जिस पे जितनी कोशिश करनी है इतनी कोशिश कर लो, मीत अलावत को कोई बचा ही नहीं पाएगा क्योंकि इसको मैं फांसी के फंदे तक ले जाकर ही रहने वाली हूँ। लेकिन दोस्तों, इधर मीत हुड्डा ने बोल दिया है कि बर्फी देवी जी, जितनी तुम्हें कोशिश करनी है तुम कोशिश कर लो, क्योंकि इन 3 दिनों में मैं भी मीत अलावत को बेकसूर साबित ठहरा दूंगी। जी हाँ, बेकसूर साबित के लिए अब मीत अलावत को बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ रहा है बचाने के लिए, क्योंकि मीत हुड्डा चाहती है कि जो क्राइम किया ही नहीं है मीत अलावत ने, उसकी सज़ा कैसे मिल सकती है। और वाकई में दोस्तों, सभी घर वाले भी जानते हैं कि ये कहीं ना कहीं बर्फी देवी की एक बहुत बड़ी प्लानिंग है। और उस प्लानिंग की अगर बात की जाए तो बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ साथ में आप लोग जानते ही हैं कि बर्फी देवी धीना मुस्ती पंगा ले रही हैं, क्योंकि बर्फी देवी इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं कि मीत अलावत कभी भी कुछ ऐसा नहीं कर सकता किसी के भी साथ में जो सामने वाले को दिक्कत हो। लेकिन लगातार जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, बर्फी देवी टारगेट करती हुई नज़र आ रही है। और बर्फी देवी का टारगेट करने का मेन मोटिव भी आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि अलावत परिवार से दुश्मनी निकालना, और दुश्मनी निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं बर्फी देवी, ये बात सभी लोग जानते ही हैं। लेकिन दोस्तों, आने वाला एपिसोड वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से मीत हुड्डा बोलती हुई नज़र आने वाली है कि मैं 3 दिन में बाहर करूँगी मीत अलावत को, और वो भी बेकसूर। जी हाँ, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि बेकसूर साबित करने के लिए कितना ज़्यादा जोर लगाने पड़ेंगे मीत हुड्डा को, क्योंकि मीत हुड्डा खुद केस लड़ रही हैं इस समय मीत अलावत का, क्योंकि सभी ने लड़ने से मना कर दिया है। साथ ही दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइए गाइज, आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। थैंक यू सो मच गाइज।